बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस्लामाबाद की टॉप 5 सोसाइटीज़ जो कि लिविंग के काबिल हैं, जहां पे आप रहाइश रख सकते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो आजकल इस्लामाबाद से जो बहुत दूर दूर सोसाइटियां हैं, उनको भी इस्लामाबाद का नाम दे के बेचा जा रहा है, लेकिन ये मैं उन सोसाइटीज़ को सिर्फ डिस्कस करूंगा जो एक रीज़नेबल डिस्टेंस पे है और जिनका एनओसी अप्रूव हो चुका है। यानी जिन सोसाइटीज़ का एनओसी अंडर प्रोसीजर है वो मैं काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ उन सोसाइटीज़ को काउंट करूंगा जिनका एनओसी ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सोसाइटीज़ की बात हो रही है, ना के सीडीए सेक्टर्स की, क्योंकि सीडीए सेक्टर्स का स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो मैं सिर्फ प्राइवेट सोसाइटी के ऊपर बात करूंगा। वैसे तो एनओसी के साथ भी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन मैं सिर्फ टॉप 5 को डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जिनके मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, कोई सुनवाई नहीं है जहाँ पर, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, गारबेज इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, तो उन सोसाइटीज़ को भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। चूँकि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो टॉप 10 में काउंट की जा सकती हैं, लेकिन टॉप 5 में काउंट नहीं की जा सकती, तो ये वीडियो टॉप 5 के ऊपर बनी हुई है, तो मैं इसके ऊपर ही बात करूँगा। तो इसमें जो जिसको मैंने नंबर 5 दिया है वो बैरिया इनक्लेव है। इसका पहले तो एनओसी नहीं था, लेकिन अभी इसका एनओसी रिसेंटली अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे माशाल्लाह डेवलपमेंट भी अच्छी है, आबादी भी हो रही है, उसके साथ साथ अभी एनओसी अप्रूव हुआ है तो गैस के भी चांसेस हैं। और अभी तक तो ये जो बैरिया इनक्लेव वाले हैं, ये खुद 2 सिलेंडर सर्दियों में देते रहे हैं और 1 सिलेंडर गैस गर्मियों में देते हैं। ओवरऑल अगर मैंने नज़र दुराई है तो मुझे बैरिया इनक्लेव नंबर 5 पर नज़र आया, यानी कि टॉप 5 में इसको मैंने पॉइंट आउट किया। ओवरऑल फैसिलिटीज़ वगैरह, डेवलपमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी, सब कुछ यहाँ पे, स्कूलिंग, पार्क बच्चों के लिए, ज़ू वगैरह, ये चीज़ें जो काफ़ी इंटरटेनमेंट की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सोसाइटीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ के मसाइल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट स्टेटस किसी का नहीं है, किसी की मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी इशू है कहाँ पर, किसी में सफाई के बहुत ज़्यादा इशू हैं, रोडें टूटी हुई हैं, तो इसलिए मैंने सब कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बैरिया इनक्लेव को टॉप 5 में जगह दी है। और अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। अगर मैं अपने इर्द गिर्द नज़र दौराऊँ तो मुझे फैसल टाउन नंबर 4 पे सूटेबल लगा। फैसल टाउन में इस वक्त डेवलपमेंट स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा है और बिजली और गैस वगैरह यहाँ पे है। ये मोटरवे के भी बिल्कुल 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और ओवरऑल फैसिलिटी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और अच्छा स्कूल भी यहाँ पे है, नोवा सुपर स्कूल बना हुआ है, पार्क भी बहुत अच्छे हैं, ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड बने हुए हैं यहाँ पर, और साथ साथ मतलब हर ब्लॉक का अपना पार्क इवन के इन्होंने दिया हुआ है। तो ग्रॉसरी वगैरह के लिए भी यहाँ पे स्टोर्स काफ़ी बन चुके हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से और लोकेशन वाइज मुझे इसको नंबर 4 देना पड़ा है। और अगर रेट की बात की जाए तो ये इन सोसाइटियों के रेट्स आपस में मिलते जुलते हैं, तकरीबन मिलते जुलते ही हैं इन सोसाइटीज़ के रेट्स। जिस तरह इस्लामाबाद में कुछ सोसाइटीज़ ब्रांड बन चुकी हैं, इसी तरह
ये फैसल टोन भी एक ब्रांड बनता जा रहा है। और ये अब मैंने पहले भी बात बताई है कि अब जो सोसाइटियाँ 50 किलोमीटर दूर हैं इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर, मैं उनको डिस्कस नहीं यहाँ पर कर रहा, उनको कह रहा हूँ जो रीज़नेबल डिस्टेंस पे हैं। और इसके बाद मैं भी आता हूँ नंबर 3 की तरफ। तो काफ़ी चीज़ें सोच के मैंने मल्टी गार्डन्स B17 को नंबर 3 पर रखा है। B17 भी एक ब्रांड ही बन चुका है, और आने वाले कुछ टाइम में जब मार्गला रोड बन जानी है, कंप्लीट हो जानी है, क्योंकि 60% तकरीबन काम हो चुका है उसका, तो ये B17 भी बहुत क्लोज डिस्टेंस पर हो जाएगा इस्लामाबाद के, तकरीबन ये 15-20 किलोमीटर की रेंज में रह जाएगा। और इस वक्त यहाँ पे भी तकरीबन हर सहूलत मिलती है आपको, ग्रासरी पार्क, ग्राउंड, ज़ू, फन सिटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा सहूलियात इन्होंने दी हुई हैं, सिक्योरिटी सिस्टम, हर चीज़ आपको अच्छी मिलेगी B17 में भी। तो इसको इसलिए मैंने नंबर 3 पर रखा है। ये मेन GT रोड टैक्सला के ऊपर वाक़ है, इसका जो दूसरा एंड है जो वो मोटरवे के साथ लग रहा है, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे के पास। अभी इसको इंटरचेंज तो नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में कह रहे हैं कि इंटरचेंज मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसका रास्ता जो है मेन GT रोड टैक्सला के ऊपर है। और ये अंदर का इसका व्यूज़ है, इसकी दो मेन गेट हैं, और इसकी काफ़ी कुशादा रोड्स हैं, और इसके अंदर एक बड़ा मल्टी ज़ू भी बना हुआ है, जो कि बहुत ही अपनी तर्ज का अट्रैक्टिव विजिटिंग पॉइंट है एक इस इलाके के लोगों के लिए। और इसके अंदर एक फ़न सिटी भी बना हुआ है, जो कि सेंटोरस में एक नज़र आता है, इसी तरह का एक, बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, तकरीबन 300-400 के राउंड गेम्स हैं बच्चों की उसमें। और इस तरह उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसी तरह फूड कोर्ट है इसमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें थिंग्स पाई जाती हैं, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पर रखा है। और इसमें गैस, बिजली वगैरह सब कुछ सहूलियात मौजूद है। अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन है 1 और 2 का, तो काफ़ी सोच विचार और डिस्कशन के बाद मैंने जो नंबर 2 दिया है वो बैरिया टाउन को दिया है, बैरिया टाउन इस्लामाबाद। बैरिया टाउन में भी आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, हर तरह से गैस, बिजली, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट स्टेटस, कुशादा रोड्स, पार्क, स्कूलिंग, काफ़ी ज़्यादा इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यही वजह थी कि मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। और बैरिया टाउन तो खैर एक ब्रांड का नाम है, ब्रांड बन चुका है बैरिया टाउन इस्लामाबाद रावलपिंडी में। और अगर इसका साथ जो नंबर 1 मैंने दिया है वो भी बड़ा मुश्किल था डिसाइड करना कि नंबर 1 किसको रखा जाए और नंबर 2 किसको रखा जाए, लेकिन थोड़ी लोकेशन वाइज मैंने DHA को नंबर 1 पर रखा है। DHA में भी हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी, गीगा माल यहाँ पर ही बना हुआ है, सेंटोरस के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो गीगा माल भी बहुत बड़ा माल है, सेंटोरस के टक्कर का कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे भी कुशादा रोड्स, गैस, बिजली, पार्क, स्कूलिंग, ग्राउंड्स, जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, मैकडोनल्ड, KFC, इस तरह के काफ़ी ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये
जो DH रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एलियट क्लास मॉडर्न हाई फाई लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑफिसर लेवल के। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।